आप सभी को मेरा नमस्ते। प्रियंकास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ दलिया। ये रेसिपी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी हेल्दी रहती है। इसके लिए मैंने सामग्री ली है, 1 कटोरी दलिया, आधा कटोरी मटर, 1 टमाटर, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 आलू, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक। अभी मैंने कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाला है। तेल अभी अपना गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी राई और जीरा। इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च, प्याज, इसमें डालूंगी मैं टमाटर, आलू, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए अपन इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डालूंगी मैं अपने मटर, इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं 1 मिनट के लिए तेल में। अब इसमें डालूंगी मैं अपना गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन्हें थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब मैंने दलिया अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया है। अब मैं इसे भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इस दलिया को भी 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ तेल में ताकि थोड़ा सा सिका जाए। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे तेल में भून लेते हैं ताकि अच्छी तरह से भी फ्राई हो जाए और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी मैं स्वादानुसार नमक। मैंने इसमें डाला है 2.5 गिलास पानी। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख इसको 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी अपना दलिया बनकर तैयार है। इसके ऊपर मैं डाले ऊपर से हरा धनिया, इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ। अभी अपना दलिया बनकर अच्छी तरह से तैयार है। ये खाने बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी रहता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स। इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं देसी घी। देसी घी डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।